हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आप लोग अपने बैंक में ऑनलाइन आधार कार्ड सीडिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग अपने घर पर रह करके अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक में आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको तीन तरीका बताऊंगा, आप तीन तरीके से अपने बैंक में अपना आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग बैंक पर जाकर के आधार कार्ड सीडिंग नहीं करवाना चाहते हैं या फिर आप किसी रीजन से अपने बैंक पर नहीं जा पाते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप सबको एक एक तरीका एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ पाएं और अपने बैंक में ऑनलाइन ही अपने घर पर रह करके आधार कार्ड सीडिंग करवा पाएं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में कोई भी ब्राउजर आप यूज करते होंगे उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और दोस्तों आपको यहाँ सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और आपको लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार सीडिंग फॉर्म। आपको इतना लिख करके सर्च करना है और आपके सामने जैसे ही पहला वाला वेबसाइट आएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड लिंकिंग ऑफ आधार या UID नंबर फॉर्म 32 KB का ये फाइल है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैं दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये फाइल मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोड है, तो देख सकते हैं डाउनलोड फाइल अगेन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और दोबारा से इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल जो है मेरे फोन में डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइल जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसको ओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि यह डॉक का फाइल है जो कि MS Word एप्लीकेशन में ही ओपन होता है और उसको ओपन करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट व्यूअर करके एप्लीकेशन है, तो मैंने इसको डाउनलोड किया है। तो चलिए मैं अपना जो फॉर्म है उसको ओपन करता हूँ और दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने जो फॉर्म है ओपन होकर के आ चुका है। जब आप लोग अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस फॉर्म का फोटोकॉपी निकलवा लेना है और जो भी डिटेल्स यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको सही से भर देना है। और अपना फॉर्म भरने के बाद अगर आप लोग ऑनलाइन लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर ले जा करके जमा कर देना है और आपको अपने बैंक का जो एड्रेस है उसको डाल देना है। अब बैंक का एड्रेस जब डालेंगे तो ये फॉर्म आपका बैंक पर चला जाएगा और वहां से आप लोग अपना जो आधार कार्ड सीडिंग है ऑनलाइन अपने घर पर रह करके करवा सकते हैं। यह चीज दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आप अपने बैंक पर नहीं जा पाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से अपने बैंक में आधार कार्ड सीडिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इसके साथ एक एप्लीकेशन भी लिख दीजिएगा कि आप लोग अपने बैंक में आधार कार्ड सीडिंग करवाना चाहते हैं ताकि आपका जो आधार कार्ड सीडिंग है वह जल्द से जल्द कर दिया जाए। अब दोस्तों बता देता हूँ आपको दूसरा तरीका क्या है आधार कार्ड सीडिंग करने का। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन में अपना क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर आप यूज करते होंगे उसको ओपन करिएगा। आप लोग यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक करके NPCI लिख करके सर्च करिए। अब दोस्तों जब आप लोग NPCI लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला वाला वेबसाइट आएगा इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग NPCI वाले वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपके सामने देख सकते हैं एक नया पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ से नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको कंज्यूमर का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों जब आप लोग कंज्यूमर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा भारत आधार सीडिंग एनेबलर, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और आप लोग यहीं से ऑनलाइन अपने बैंक में आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नया पेज आपके सामने लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा और आपके सामने NPCI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन होकर के आ चुका है। आपको यहाँ पर दिखेगा रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, मतलब कि मैं इस पोर्टल को ओपन किया हूँ, अपना आधार कार्ड सीडिंग यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आपको आधार कार्ड सीडिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर एंटर योर आधार में आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग या डीसीडिंग, दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा आपको। अगर आप लोग सीडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग सीडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, अगर आप लोग डी सीडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। तो आप लोग अपना सीडिंग वाला ऑप्शन मान लीजिए सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर आधार कार्ड सीडिंग करने के लिए आए हैं, तो सीडिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बैंक सिलेक्ट करने से पहले आप लोग सीडिंग टाइप यहाँ नीचे आपको दिखेगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर तीन टाइप दिखेगा सीडिंग करने का। पहला जो है फ्रेश सीडिंग, मतलब आपका इससे पहले कोई अकाउंट नहीं था, आप लोग पहली बार अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाए हैं, पहली बार अपना आधार कार्ड सीडिंग करवाते हैं अपने बैंक में, तो आपको फ्रेश सीडिंग वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपका एक ही बैंक में दो अकाउंट है, आप लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपना आधार कार्ड सीडिंग ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो आप लोग दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा।
और दोस्तों जो तीसरा वाला ऑप्शन है वह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना आधार कार्ड सीडिंग करवाना चाहते हैं, मान लीजिए पहले आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में था और आप उसको अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाना चाहते हैं, तो आप लोग तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप लोग अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं जैसे मैंने अपने बैंक का नाम टाइप किया तो यहाँ पर बैंकों का लिस्ट जो है ओपन होकर के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, आपका बैंक ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे बैंक है जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना आधार कार्ड सीडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली बार इस पोर्टल को बनाया गया था, लॉन्च हुआ था जब यह पोर्टल, तो आपको यहाँ पर 4-5 बैंक ही दिख रहे थे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा था, आपका केनरा बैंक था, इंडियन बैंक था, फिर उसके बाद आपका राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक था। तो इसी तरीके से दोस्तों बैंकों का जो लिस्ट है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। अभी देख सकते हैं कल ये जो नीचे दिख रहा है आपको उत्कल ग्रामीण बैंक यह नहीं था, और नीचे जो दिख रहा है सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, यह दोनों बैंक नहीं था। तो अभी देख सकते हैं 2 बैंकों को और भी ऐड कर दिया गया है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना आधार कार्ड सीडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। आपका बैंक जैसे यहाँ पर लाइव हो जाता है तो मैं आप सबको बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को क्या करना है। लेकिन दोस्तों बैंक सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से देख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइव हो जाएगा फिर नीचे आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से नीचे आना है और आपको अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वह आपने ऊपर सही डाला है। फिर आपको 2 बॉक्स दिखेंगे, इनको टिक करना है। और दोस्तों दोनों बॉक्स को टिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर कैप्चा दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। सही से आप लोग कैप्चा डालिएगा, जैसे यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है J55R3 और कैपिटल N। तो आप लोग जैसे ही कैप्चा वगैरह डाल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड सीडिंग का रिक्वेस्ट है वह यहाँ से चला जाएगा और आपके बैंक अकाउंट का डिटेल और आधार कार्ड का डिटेल दोनों मिलाया जाएगा। जब आपका बैंक अकाउंट डिटेल और आधार डिटेल सही रहेगा तो आपको आपके बैंक द्वारा SMS मिल जाएगा कि आपके बैंक में जो है आधार कार्ड सीडिंग कर दिया गया है। अब दोस्तों यह 2 तरीका हो गया जिससे कि आप लोग वेबसाइट पर आ करके अपना जो आधार कार्ड सीडिंग है उसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरा तरीका है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप लोग अपने बैंक में आधार कार्ड सीडिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको अपने फोन में आपका मैसेज वाला एप्लीकेशन ओपन करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग मैसेज वाला एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको एक नया मैसेज सेंड करना होगा। तो नया मैसेज सेंड करने के लिए आप लोग अपना एक नया मैसेज वाला जो आइकन बना होता है सेंड करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर मैसेज सेंड करना है। तो मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, नंबर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 567676। आपको इसी नंबर पर SMS सेंड करना है। अब दोस्तों SMS में सेंड क्या करना है, तो आपको SMS सेंड करने के लिए नीचे आपको टाइप करना पड़ेगा। आप लोग टाइप करिएगा UID फिर स्पेस, फिर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब आप लोग अपना 12 अंकों का आधार नंबर टाइप कर लेंगे फिर आपको स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद दोस्तों फिर आपको अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है। अब दोस्तों अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ से मैसेज को सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इतना सब कुछ बताया है, लेकिन अभी मैं सही सही अपना जो अकाउंट नंबर है और आधार नंबर है उसको टाइप करके यहाँ से मैसेज को सेंड करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर और अकाउंट नंबर सही से फिल कर दिया है। और आप लोगों को भी इस तरीके से अपना जो मैसेज है उसको टाइप कर लेना है और यहाँ से जो आपका मैसेज है उसको सेंड करना है। अब दोस्तों जब आप लोग अपना मैसेज सेंड कर देंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपको SMS मिल जाएगा कि आपके बैंक में जो है आधार कार्ड सीडिंग कर दिया गया है। और दोस्तों मान लीजिए 24 घंटे के अंदर आपको मैसेज नहीं आता है तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके बैंक में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आप लोग इस तरीके से आधार कार्ड सीडिंग नहीं करवा सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में दोस्तों आपको अपने बैंक पर जा करके ऑफलाइन तरीके से ही अपना आधार कार्ड सीडिंग करवाना पड़ेगा। और ऑफलाइन तरीका दोस्तों क्या है, आप लोग जाएंगे वहां पर आपको फॉर्म दिया जाएगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और आपके बैंक में जो है आपका आधार कार्ड सीडिंग कर दिया जाता है। और दोस्तों आपको 3 तरीका मैंने बताया जो कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से करके अपना जो आधार कार्ड सीडिंग है अपने घर पर रह करके उसको करवा सकते हैं। अब दोस्तों तीनों तरीके में से आप लोगों को जो भी तरीका आसान लगेगा, जिस भी तरीके से आपके बैंक में आधार कार्ड सीडिंग हो जाता है आप लोग उस तरीके से कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला तरीका मैंने बताया NPCI वाला, उस पर आप लोग चेक करते रहिएगा
और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे ही अपडेट आए और आपको प्रॉपर वीडियो बना करके मैं बता दूँ तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को NPCI वाले वेबसाइट पर ऐड किया जाता है मैं आप सबको प्रॉपर वीडियो बता दूंगा कि कैसे आप लोग NPCI की वेबसाइट पर जा करके अपना ऑनलाइन आधार कार्ड सीडिंग कर सकते हैं। बाकी का दोस्तों आप लोग अपना SMS से भी आधार कार्ड सीडिंग करवा सकते हैं और आप लोग फॉर्म डाउनलोड करके उसको भेज करके अपने बैंक में भी आधार कार्ड सीडिंग करवा सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से जो बैंक होता है, आप लोग जो कुछ भी लेटर वगैरह भेजते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि अगर आप लोग जहां आपका होम ब्रांच है वहां पर नहीं रहते हैं, मान लीजिए बाहर रहते हैं, तो आप लोग बार बार बैंक पर जा करके अपना कोई काम नहीं करवा सकते हैं। तो उस केस में दोस्तों आप लोग एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा और जो फार्म मैंने आपको दिखाया उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके उसको जमा कर देना है और जहां आपका बैंक का एड्रेस रहेगा उसको लिख करके वहां पर सेंड कर देना है और आपका जो आधार कार्ड सीडिंग है बैंक द्वारा बहुत ही आसानी से और कम टाइम में कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर।